समोसा पट्टी ऑटोमेटिक कैसे रेडी होगी दिखाते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने गुथा हुआ मैदा डाल दिया, ऑटोमेटिक समोसा पट्टी बन जाएगी। और यहाँ पे हमने सूखा आटा डाल दिया और ये होपर सिस्टम दे दिया, अंदर एक ब्रश लगा दिया जिसकी मदद से राउंड घूमेगा और नीचे की ओर आटा स्प्रिंकल होके गिरता रहेगा। जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो सूखा आटा, अगर नहीं भी डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे देखो इस तरह से स्प्रिंकल होके आएगा, बेल्ट के ऊपर इस तरह से लग जाएगा और आगे की तरफ किस तरह से आएगा दिखाते, देखिए इस तरह से बेल्ट पे लग के आएगा ताकि जैसे आगे से सीट बन के आएगी, जहाँ पे हमने गुथा हुआ मैदा डाला था उसकी सीट बन के आएगी तो उसके नीचे लग जाएगा। उसके बाद हमने दो रोलर दिए, एक बार प्रेस हो रहा है यहाँ पे, दूसरी बार प्रेस हो रहा है और एकदम पतला हो रहा है और साइड का कटिंग यहाँ पे हमने एसएस का ट्रे दिया हुआ है उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। और ये हमारा बेकिंग सिस्टम है, इसके अंदर बेकिंग हो रहा है, इसके अंदर हमने बर्नर और हीटर दिए हुए, बेकिंग होकर कंप्लीट बाहर निकल जाते हैं और ब्लास्ट में यहाँ पे कटिंग होता है। दोस्तों ये थ्री टाइम वाला प्रेसिंग सिस्टम है, आप इसका लंबाई देख सकते हैं और सिंगल फेज मशीन है, इसके लिए आपको थ्री फेज की जरूरत नहीं है। आप देख सकते थ्री टाइम ऑटोमेटिक प्रेसिंग है और इसमें बहुत सारा मॉडल आता है, 14 इंच, 18 इंच, 24 इंच, 28 इंच, 32 इंच, जितना आपको बड़ा चाहिए उतना बड़ा भी बन जाएगा और इससे छोटा भी चाहिए तो छोटा बन जाएगा। आप दूसरी बार का फिनिशिंग देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया है। और ये तीसरी टाइप का फिनिशिंग देख सकते हो, एकदम पतला और एकदम बढ़िया से निकल रहा है। यहाँ से हमने ये रोलर जो दिया है यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप साइज यहाँ पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे हमने स्क्रू दिया हुआ है, इसको एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या 12 इंच जितना भी चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे प्रेस होके इस साइड का कटिंग एसएस वाली ट्रे में जा रहा है और समोसा पट्टी कंप्लीट सीख के बाहर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए आप इसका बेकिंग यूनिट देख सकते हैं कितना बढ़िया, पूरा स्टेनलेस स्टील 304 का बेल्ट लगाया हुआ है। दोस्तों इससे एकदम बढ़िया सीख के निकल जाएगी और एकदम पतली पट्टी निकलेगी, इसमें आपको पतला मोटा भी चाहिए तो आप मशीन के अंदर से कर सकते हो। और हम इसके बाद कैसा फिनिशिंग आता है कटने के बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पूरा स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है हमने, यहाँ से लेके लंबाई कितना दिखाते हैं, देखिए यहाँ से अंदर इन होता है और यहाँ से आउट होता है, इतना लंबाई है मशीन का। और आप देख सकते हो ये कंप्लीट सीख के आ चुकी है और इसके बाद इसके ऊपर जो बबल्स है वो ये रोलर दिया हुआ है उससे बबल्स नीचे हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो भी साइज चाहिए आपको 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच वो यहाँ से कटिंग होगी। ये जैक्सन ब्रांड का मशीन है दोस्तों, जो कि अहमदाबाद गुजरात में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप इस पे हमको कॉन्टेक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते। जो अभी हमने पट्टा निकाला है दोस्तों 14x10 का पट्टा है, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कितना बढ़िया आया हुआ है, इस तरह इसको निकालना है। और फाइनल जो साइज है आप हैंड कटर से भी कट कर सकते हैं, चक्कू से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कटिंग हो जाएगा। तो जैसा आप सेटिंग बोलोगे जैक्सन मशीन आपको पूरा सेटिंग करके ही देगा, सिर्फ आपको गुथा हुआ मैदा डाल देना, इस तरह से पट्टी कट के आ जाएगी। और दोस्तों पूरा मशीन सिंगल फेज है, इसके लिए आपको कोई भी अलग से पावर लेने की जरूरत नहीं है। और नीचे हमने व्हील दिया हुआ है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना है तो बहुत इजी प्रोसेस है। और इसको हम भाई साहब हमको मुड़ के भी दिखाएंगे इसका समोसा किस तरह से भरा जाता है। देखिए इस तरह से समोसा बनता है इसकी, इस तरह से छोटी छोटी अपने हिसाब से साइज की पट्टी तैयार किया जाता है, इसके अंदर सब मसाला डाल के इस तरह से समोसा रेडी होता है। दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ आप कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों, आपको पूरा जानकारी मिलेगा, पूरा सहायता मिलेगा। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनीत देसाई, धन्यवाद दोस्तों।